वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एक स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक। अगर आपके सामने एक परफेक्ट स्क्वायर रहेगा और आपको उसको बताना होगा वो किसका स्क्वायर रूट है, तो आप आज इस ट्रिक से केवल 2 सेकंड में निकाल के बता देंगे कि वो किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो हमें पता रहता ही है हमेशा कि स्क्वायर 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर, जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 10 का 100, इसी प्रकार होते हैं। ध्यान क्या देते हैं, ध्यान हम इसमें देते हैं यूनिट डिजिट को, कि किसके स्क्वायर में कौन सा यूनिट डिजिट आता है। जैसे 1 के स्क्वायर में आता है, मतलब 1 किसके यूनिट डिजिट आया, 1 में आता है या 9 में आता है। तो अगर आपका 1 आए तो आप समझिएगा क्या 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। दूसरा 4 2 में आता है या 8 में आता है, इसी प्रकार 9 3 में आता है और 7 में आता है, 6 4 में आता है या 6 में आता है और 5 5 में आता है और 0 10 में आता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट का एक स्टेप है। दूसरा स्टेप मैं थोड़ा बताता हूं आपको। आइए हम लेते हैं एक एग्जांपल और फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है 2916, अगर मुझे बेटा 2916 का क्या निकालना है, एक स्क्वायर रूट निकालना है, ये किसका स्क्वायर रूट है। अगर ऐसे करके बता दूं ये किसका स्क्वायर रूट है आपको निकालना है, तो आप पल भर में निकाल सकते हो। ये कैसे निकाल सकते हैं, आप कभी भी आपको कोई नंबर मिलेगा तो आप राइट हैंड से पेयरिंग करना चालू करेंगे, मतलब जोड़ा बनाना चालू करेंगे। जितने भी आपको पेयर है उसको पेयर बनाएंगे, मतलब 16 का पेयर होगा, 29 का पेयर हो गया। अब देखिए ध्यान पूर्वक समझिए, राइट हैंड से यहाँ पे 16 का पेयर बना, तो आप क्या देख रहे हैं, राइट हैंड चल रहे हैं तो राइट हैंड की यूनिट डिजिट को देखिए, आखिरी डिजिट को देखिए, तो यहाँ पे क्या है 6 है। अब क्या देखना होगा, अगर यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है तो आप सोचिए 6 किसके यूनिट डिजिट में आता है, किसके स्क्वायर यूनिट डिजिट में आता है, 6 4 में आएगा या किसमें आएगा, आपके 6 में आएगा। अगर 6 यूनिट डिजिट आ रहा है तो वो 4 में आएगा या 6 में आएगा, तो आप वही लिख लेंगे, मतलब इसके आंसर में अब आने वाला है क्या 4 आने वाला है या 6 आने वाला है क्या। देखिए यूनिट डिजिट देखना पड़ेगा आखिरी डिजिट का, यूनिट डिजिट का, तो 6 किस में आता है, 4 में आता है या 6 में आता है। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या देखते हैं, जो हमारे पास डिजिट बचे, अब वो दोनों पेयर के अलावा, तो यहां क्या बचे 29, क्या बचे 29। अब देखेंगे सेकेंड स्टेप में ये कि जो बचा डिजिट है वो किसके स्क्वायर से क्या है, ज्यादा है या बराबर है, समझ रहे हैं। जो बचा डिजिट है जैसे यहां 29 बचा, तो देखेंगे 29 किसके स्क्वायर से ज्यादा है या बराबर है। तो वही देखिए 29 कहां आता है, 25 और 36 के बीच में आ रहा है। क्या वो 36 से ज्यादा है, नहीं है। क्या वो 36 के बराबर है, नहीं है। क्या वो 25 से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है। क्या उसके बराबर है, नहीं, हमें तो भाई बड़ा चाहिए या बराबर चाहिए। तो इसका मतलब ये 5 के स्क्वायर से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, अब आपका आंसर 54 हो सकता है या 56 हो सकता है, ये आपको अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इस स्टेप के बाद आप जान देंगे कौन सा आंसर होगा 54 या 56। देखिए अब जो भी आपने ये यूनिट डिजिट के बाद वाला डिजिट लिया, उस डिजिट को यहां पे रखेंगे, कहीं भी रख दीजिए, और उस जो भी जैसे यहां पे 5 आया, उसके अगले नंबर से 5 है तो 6, 6 है तो 7, 8 आया तो 9, तो जो भी नंबर आएगा उसके अगले डिजिट, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 × 6 हो जाएगा। ठीक, और आंसर लिख लो कितना आया, 30 आया। अब तुम्हें बताना था ना आंसर 54 होगा कि 56 होगा, तो ठीक है, तो जो तुम्हारा यहाँ पे डिजिट रखा गया है तुम उसका इससे कंपैरिजन करोगे, जो तुमने यहाँ पे लिखा उसका तुम नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसको कंपेयर करोगे जो पहले से लिखा हुआ है। अगर पहले से लिखी हुई चीज इससे छोटी होगी, जो यहाँ पे आया है पहले से लिखी चीज अगर इससे छोटी होगी तो आप छोटे नंबर को सिलेक्ट कर लोगे, 54 तुम्हारा आंसर हो गया। तो उसका आंसर कितना हो गया 54। लेकिन अगर जैसे यहां पे 30 आता और यहां पे होता 35, तो तुम क्या करते, बड़े डिजिट को सिलेक्ट करते। क्लियर है, 3 स्टेप है। पहला स्टेप हम स्क्वायर यूनिट डिजिट का चेक करेंगे, दूसरा किसके स्क्वायर से ज्यादा या बराबर है, और तीसरा इस मल्टीप्लाई करके हम रिजल्ट को देख करेंगे। दूसरा एग्जांपल लेंगे, आपको पल भर में समझ में आएगा, फटाक से देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 841, देते हैं कितना 841। तो देखिए 841 में क्या बोला, पेयरिंग करेंगे राइट हैंड से। ठीक,
8 बज जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 किसके डिजिट में आता है, 1 क्या आता है या 9 क्या आता है, तो आप यहां लिखिए 1 या 9। ठीक, अगला स्टेप क्या, 8 किसके स्क्वायर से ज्यादा है या बराबर है, तो देख रहे हैं 4 और 9 के बीच में आता है, मतलब ये 4 से बड़ा है 9 से छोटा है, तो इसका मतलब ये 2 के स्क्वायर से बड़ा है, तो आपका आंसर 21 होगा या 29 होगा। क्लियर है भाई। अब 21 होगा कि 29 ये चेक करते हैं। अब 2 लिखेंगे और 2 का अगला नंबर कौन है, कंसेक्यूटिव नंबर 3, तो उसमें से मल्टीप्लाई कर दोगे 6 आ गया। अब चेक करोगे अगर ये वाला नंबर इससे बड़ा जो यहां मल्टीप्लाई करने पे आया और जो पहले से लिखा, अगर पहले से लिखा नंबर बड़ा तो दोनों में वैल्यू यूनिट डिजिट वाली कौन सिलेक्ट करोगे, जो बड़ी वैल्यू होगी, तो 21 या 29, तो 1 या 9 ये बड़ा इससे, तो कौन सिलेक्ट करेंगे, बड़ा वाला, तो आंसर कितना आ गया आपका 29। क्लियर है आप लोगों को। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, अब और फटाफट कर लेंगे, कितना कम समय लग रहा है। अगला एग्जांपल ले लीजिए 5329, कितना 5329, तो आखिरी से पेयर करेंगे ये 29 एक पेयर और 53 एक पेयर, तो 9 किसके यूनिट डिजिट में आता है, देखिए 3 में आएगा या क्या आएगा 7 में आएगा, तो आपका आंसर यहां 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। 53 किसके स्क्वायर से बड़ा है या बराबर है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का 64, तो 7 होगा, तो यहां पे 73 या 77, तो आंसर 73 हो सकता है कि 77 हो सकता है, इसे कैसे चेक करेंगे, 7 यहां पे लिखेंगे उसमें अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का कौन सा नंबर आता है 8, 7 8 56, और ये कंपेयर करेंगे किससे जो नंबर लिखा है, अगर जो नंबर लिखा है वो छोटा तो छोटे वैल्यू को लेंगे और अगर बड़ा तो बड़े वैल्यू को, तो 56 बड़ा है कि 53, 56 बड़ा तो जो लिखा वैल्यू है छोटा है, तो नंबर कौन सिलेक्ट करेंगे छोटा, तो आंसर कितना आ गया 73। देख रहे हैं कितना आसान कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब आप तो तेज हो चुके हैं फटाफट निकाल सकते हैं। एक आखिरी एग्जांपल 2401, तो अगर 2401 है तो आखिरी डिजिट कितना है 1, तो क्या आएगा 1 या 9। ठीक, 24 का है तो किसके स्क्वायर से कम है, देखिए भैया ये 4-5 के स्क्वायर से कम है, ज्यादा किसके है 4 से, तो 41 या 49। अब क्या करेंगे 4 इंटू अगला नंबर कौन 5, तो कितना है 20। चेक करो जो आया है वो बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा है, ये बड़ा है, अगर ये बड़ा तो नंबर कौन सिलेक्ट करेंगे बड़ा वाला, तो 49 का आंसर हो जाएगा 2401 का। क्लियर हो रहा है कि नहीं। एक एग्जांपल ले ले, आइए ले लेते हैं फटाफट एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं 9216, देख रहे हैं पल भर में हो जा रहा है, 2 सेकंड लग रहा है 9216, तो 2 का पेरी किए 6 किसके में आता है 4 में आता है या 6 में आता है, तो आंसर में 4 आएगा या 6 आएगा। 92 किसके स्क्वायर से बड़ा है या बराबर है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 9 के स्क्वायर से बड़ा है, तो ये आंसर होगा 94 या 96। ठीक है, अब दोनों में कौन होगा, तो 9 में अगले नंबर का कौन आएगा 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 90। अब 90 क्या है कि 92 बड़ा है कि 90 बड़ा है, तो जो नंबर आया है जो पहले लिखा है, अगर पहले लिखा वाला बड़ा है तो आंसर क्या हो जाएगा बड़ा यूनिट डिजिट, तो आंसर क्या हो जाएगा 96। क्लियर है आप लोगों को, मुझे आशा है आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। जैसी भी ट्रिक लगे इसे कमेंट बॉक्स में बताइए, ऐसे खूब सारे स्क्वायर रूट आप निकालिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए वीडियो, आपका बहुत बहुत